स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नई जानकारी लेकर के आता है, और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फिर से एक नया बिजनेस के बारे में। बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर मैं अगर गाड़ी लेता हूँ तो किस तरह का बिजनेस करूँ, कहाँ से बिजनेस करूँ, क्या बिजनेस कर सकता हूँ। तो आज हमारे साथ एक ट्रांसपोर्टर हैं जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में ही इनका बिजनेस है ट्रांसपोर्टिंग का, जो कि ये करते हैं तकरीबन 5-6 साल से। तो आज मैं बात करता हूँ कि ये जब अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे तो किस तरह से बिजनेस स्टार्ट किए थे, क्या क्या बिजनेस आज तक इन्होंने किया है, किस तरह से बिजनेस किया है, इनको मटेरियल कहाँ से मिलता है, इनको पर मंथ का जो है इनकम कितना होता है, एक्सपेंस कितना होता है, इनको मुसीबतें क्या क्या आती है इनके बिजनेस में, आज सब मैं इनसे बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा ऑन रिकॉर्ड वीडियो कि किस तरह से आप बिजनेस को, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं। तो नमस्कार विपिन जी, आप इस बिजनेस में कैसे आए, कब आए और किस तरह के एक्सपीरियंस रहा, जरा जी आप बताइए कब से इस इंडस्ट्री में कब से आए हैं। देखिए सर भैया, हम 2015 में ही आया था और उसमें से हम गाड़ी लाइन में आया और करने लगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत आई, पर काम अभी के टाइम में सेटअप है। तो अभी आपके पास कौन सी गाड़ी है, किस तरह की गाड़ी का? टाटा ऐसे ही ज़्यादा यूज हो रहा है और अभी 2-3 गाड़ी है भी। अच्छा, तो टाटा एस में जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे तो उस समय सबसे पहला बिजनेस आप कहाँ से स्टार्ट किए थे, क्या किस तरह से आप बिजनेस स्टार्ट किए थे, कहाँ से खोजे थे आप कस्टमर अपने लिए? कस्टमर हम 2-4 कंपनी ऐसे देखा, मुझे समझ में नहीं आया, फिर मंडी से कॉन्टेक्ट करने लगा, जिसके बाद मंडी से सही काम चलता रहा। मंडी मतलब ये आजादपुर मंडी? अच्छा, आजादपुर मंडी जो सब्जी मंडी है। हाँ ठीक है। तो अभी के टाइम में अगर मैं बात करूँ कि जब आप गाड़ी खरीदे थे उस समय आपका इनकम पर मंथ कितना हो जाता होगा? उस टाइम ज़्यादा नहीं था, हो रहा था 20-25 हज़ार रुपये हो रहा था महीने का, पसंद नहीं आ रहा था, जिसके बाद मंडी गया वहाँ पे 30-35 के करीब, 30-35 के करीब आराम से हो रहा था। इतना में कितना आप लोगों का जो खर्चा है, खर्चा कितना जाता होगा पर मंथ? इसमें खुद ड्राइवरी करता हूँ तो इसलिए थोड़ा बचत होता है, यदि जो ड्राइवर रख करके काम करने पे तो ज़्यादा बचत नहीं हो पाता है। अच्छा, ज़्यादा मतलब कि अभी के टाइम पे अगर मैं खर्चा बात करूँ साल का तो कितना हो जाता होगा आपका साल का खर्चा? साल का खर्चा करीब तकरीबन बैठ जाता है 30-35 हज़ार रुपये बैठ जाता है साल का खर्चा मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस का। अच्छा, अगर मैं एक उदाहरण के लिए बात करूँ कि आपका आपको कहीं के लिए 800 रुपये का भाड़ा मिलता है तो उसमें आपका खर्चा कितना आता होगा? अगर मैं सीएनजी की बात करूं तो सीएनजी का कितना खर्चा आता होगा? 800 रुपये का भाड़ा में जिधि ज़्यादा ज़्यादा 200 रुपये का खर्च है, 200 रुपये का सीएनजी का खर्चा आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। और बाकी ड्राइवर को अलग देना पड़ेगा। हाँ मतलब कि अगर ड्राइवर होगा तो ड्राइवर का अलग हो जाएगा, टायर का अलग हो जाएगा, बाकी जो खर्चे हैं वो अलग हो जाएंगे। ओके, अगर मैं बात करूँ कि अभी के टाइम पर आपका जो गाड़ी का मेंटेनेंस है 5 साल हो गया है तो अभी के टाइम में आपका गाड़ी का जो मेंटेनेंस है वो कितना होगा? ये मेंटेनेंस करीब महीने के 5 हज़ार रुपये तो रख ही लो, कब क्या होता है कोई पता नहीं होता है, मशीनरी सी चीज़ होता है ये। ओके हाँ, और ये जैसा आप गाड़ी में लोड रखिएगा वैसा ही मेंटेनेंस जाएगा। जैसे अंडर बेड चलाते हैं गाड़ी तो ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यदि जो अंडर बेड से हाई बेड में रखते हैं तो उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा खोजती है। अच्छा, तो अभी के टाइम में कस्टमर आपका कहाँ से मिलता है, कहाँ कहाँ से अभी आप कस्टमर ढूंढते हैं? अभी मंडी चल रहा हूँ और मंडी में ही मिल जाता है। अच्छा, आप इसका कभी ऑनलाइन जितने भी एप्लीकेशन के थ्रू जो बिजनेस मिलता है कभी इसका आप लोग ट्राई किए हैं? हाँ, ऑनलाइन अभी पोटर और ये लाला मोबो है, ये दोनों में से यूज करते रहता हूँ, ये दोनों में अभी ठीक है। तो कितना इसमें कितना आपको वहाँ से बिजनेस कितना मिल जाता होगा? यदि जो पोटर से यूज करता हूँ ज़्यादा तो इसमें से इनकम ये है कि 1500-1700 रुपये करीब, मतलब काम करने में मेहनत होना होता है, मेहनत करोगे तो उतना मिल जाएगा, जितना उसमें ऑनलाइन रहिएगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, मतलब कि पर डे का 1500-1700 रुपये का बिजनेस ऑनलाइन ऐप से मिल जाता है। अच्छा, और मैं अगर परसेंटेज लेता है कितना लेता है परसेंटेज? कितना लेता है लेकिन यह है कि ज़्यादा मुझे भागना नहीं पड़ता। अच्छा, मतलब ऐसे जितना कस्टमर के पास आप जाओगे वो खोजोगे उससे अच्छा कि आपको उससे अच्छा 10% लेता है, उससे बेटर हो जाता है यही। अच्छा, गाड़ी चलाते हो तो रोड पे किस तरह का प्रॉब्लम वगैरह फेस करना पड़ता है? रोड पे अभी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम। तो किस तरह का? अभी लॉकडाउन जो छुटा है ना तो एक तो जाम का एरिया बहुत हो जाता है, ट्रैफिक बहुत रहता है, बाकी ट्रैफिक
पुलिस वाले से भी थोड़ा सा ना, तो वो तो खैर लिखा है, सारे ट्रांसपोर्टर के साथ तो होता ही है, तो वो भी आपको भी फेस करना पड़ता है। और ये लॉकडाउन का जो टाइम था करीब 2-3 महीने की मैं बात करूँ, तो वो टाइम कैसे बीता? कहीं बहुत मुश्किल, घर में ही रहना, निकलना, काम धाम भी नहीं, कहीं कोई ज्यादा बिजनेस वगैरह तो हो नहीं रहा था, मुश्किल ही ना कहीं बराबर। ओके, उस टाइम ऑनलाइन भी ड्यूटी नहीं बचती थी ऑनलाइन। हाँ, उस समय तो पोर्टर वगैरह भी अपना सर्विस क्लोज कर रखा था, टेम्पररी क्लोज कर रखा था, क्योंकि हम लोग का भी अगर मैं बात करूँ तो हमारा भी लॉकडाउन में मंडी जाना होता था, लेकिन वहाँ पे टाइम बहुत लगने लगा, क्योंकि अजयपुर मंडी के दूसरा टोकन मिलने लगा, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होने लगा, और नाइट के समय जाना पड़ता था, जब जा करके दिन में वहाँ से काम मिल पाता था, मुश्किल हो जाए, उससे अच्छा कि घर पे ही रहो। अच्छा, थोड़ा ये संक्रमण वगैरह का भी दिल्ली के अंदर जो बहुत ज़्यादा था, अब तो खैर नॉर्मल, अब ना कहीं बराबर है, अब तो उतना। अच्छा, तो अभी के टाइम में रेगुलर काम मिल रहा है अभी, कहीं कोई प्रॉब्लम वगैरह? नहीं, अभी तो काम तो रेगुलर कुछ ना कुछ तो मिल ही जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई नया ट्रांसपोर्टर हो, अगर चाहे कि काम करने के लिए, तो उसको बिजनेस कहाँ कहाँ से मिल सकता है, कैसे हो सकता है बिजनेस? वो नया गाड़ी लिया है, जो नया कैजुअल है, जो जैसे खुद ही ड्राइविंग करना, उसके लिए आसान तरीका, बस उसमें थोड़ा सा मेहनत होता है, बाकी वो अपना काम कर सकता है। अच्छा, तो वो खूब कहाँ से, मतलब कस्टमर के पास कैसे पहुँचेगा? कस्टमर के पास गया तो फिर मंडी जाओ, हम कभी परेशान नहीं हुए, ठीक है, इसलिए कि हमें इधर उधर जाना नहीं। हाँ, शुरू में परेशान हुआ जब तक ले मंडी नहीं गया था, अजयपुर। अच्छा। मंडी लॉकडाउन से पहले की बात, जब हमने शुरू में काम किया था उस टाइम हमने बहुत परेशान नहीं हुआ, इधर 2-4 कंपनी में देखा लोकल कंपनी, मुझे स्टैंड पे भी गया तो मुझे पसंद नहीं आया, हमने इधर उधर छोड़ करके, मुझे 20 किलोमीटर जाना पड़ता है मंडी, अजयपुर मंडी, यहाँ से वहाँ से फिर भी हमें ठीक है, वहाँ से बिजनेस मिल जाता है, वहाँ से काम सही हो रहा था, जिसके बाद फिर एक कंपनी टकरा गई फिक्स वाली, वो किया, जिसके बाद फिर अब वो भी हमने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे उसमें भी पसंद नहीं पड़ा। अच्छा, उसमें सैलरी कम देने लगा था। अच्छा, हाँ, तो इसलिए हमने वो भी छोड़ दिया, अब आ तो पोर्टर यूज करता हूँ, आ तो फिर मंडी यूज करता हूँ। अच्छा, इसी में हमें तो अभी के टाइम में मैं बताऊं तो अगर कोई ट्रांसपोर्टर गाड़ी खरीदे टाटा एस रखे, तो मंथली कितना कमाई कर सकता है? वो उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर भी एवरेज का कमाई कितना हो सकता है? अब ड्राइवर रख करके काम नहीं, अगर खुद करे तो? खुद करेगा तो आ तो मंडी जाइए, उसमें भी मिल जाएगा आपको भाड़ा, और नहीं तो फिर जैसे आप स्मार्टफोन रखिए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो मंथली का कितना कमाई कर सकता है? मंथली का करने के ऊपर है आपके ऊपर। अच्छा, जैसे रोज का मतलब कि जैसे उसमें जैसे पोर्टर में ही बता रहा हूँ आपको, हम पोर्टर में जितना है आप ऑनलाइन रहिएगा उतना आपका आपके लिए काम के लिए। अच्छा, जैसे कि अभी आप बताए कि 1500-1700 रुपये आपका पर डे का हो जाता, तो महीना का मान के चले तकरीबन 40-42 हज़ार। उसमें इसमें खर्चा 1500 रुपये कमाए, इसमें से खर्चा आप 300 रुपये के आप CNG भी फूक देते हैं, और 300 रुपये ड्राइवर के भी देते हैं, 400 रुपये आ तो खुद कम कर रहे हैं ड्राइविंग, तो उतना कोई भारी नहीं पड़ेगा। अच्छा, यदि जो ड्राइवरी करते हैं, ड्राइवर रख करके करवाते हैं, तो 1500 रुपये में आपका पड़ता, ज़्यादा ज़्यादा 200-300 रुपये बचेगा, 400 रुपये। अच्छा, तो ये था, और खर्चा तो वही आप बताए कि 200-300 रुपये का खर्चा है। ओके, तो दोस्तों देख रहे थे आज हमारे साथ थे विपिन जी, जो कि अपने बिजनेस के बारे में बता रहे थे, टाटा इसका बिजनेस है इनका, जो मैं भी आपको वीडियो दिखाया था। यहाँ से इनका जो मंथली का इनका मैं बताऊँ, नॉर्मली जो टाटा एस का होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बहुत सारे अपने वीडियो में बताया है, कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो तकरीबन 40-42 हज़ार रुपये आपका महीने का हो जाता है मैक्सिमम। अगर मिनिमम की मैं बात करूँ तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास बिजनेस कैसा होता है, बिजनेस आपको कहाँ से मिलता है, आपको भाड़ा कैसा मिलता है, इस पर भी सारी डिटेल्स, ये जो कमाई है ये डिपेंड करता है। साथ में मैं आपको बताया कि अगर आप गाड़ी रखते हो तो आपका जो मंथली का एक्सपेंस है, चाहे वो डीजल CNG हो, ड्राइवर का खर्चा हो या किसी और तरह का खर्चा, और साथ में मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो कितना हो सकता है, तो इससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप गाड़ी खरीदते हैं टाटा एस रखते हैं तो आप कितना कमाई कर सकते हैं, किस किस तरह से कमाई कर सकते हैं और कहां कहां से कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।